हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल गुड। टुडे वी विल रीड चैप्टर 2, पेज नंबर 11। आवर टॉपिक टीम लीडर। द टीम लीडर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन द टीम। एक टीम में टीम लीडर का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। ही शुड बी डेडिकेटेड, फोकस्ड एंड पैशनेट। उसको भावुक, समर्पित। ही शुड बी डेडिकेटेड, उसको समर्पित, फोकस्ड, केंद्रित, पैशनेट, भावुक और भावुक होना चाहिए। किसको बेटा? टीम लीडर को। ही शुड बी एबल टू मोटिवेट द टीम मेंबर्स। एक हमारा टीम लीडर ऐसा होना चाहिए जो टीम के सभी सदस्यों को प्रेरित कर सके। मतलब कि टीम लीडर को अपने जो टीम के सदस्य हैं उनको प्रेरित करना चाहिए। ही शुड स्टे कॉल्म अंडर द सर्कमस्टेंसेस। जो टीम का लीडर है उसको किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। समझ आ रहा है? टीम का जो लीडर है उसे अपना धैर्य किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहिए, अर्थात उसको हर परिस्थिति में अपना धैर्य रखना चाहिए। ही शुड बी क्विक इन डिसीजन मेकिंग। और एक अच्छे सुयोग्य खिलाड़ी को शीघ्र ही निर्णय लेना, मतलब ही शुड बी क्विक इन डिसीजन मेकिंग। एक टीम लीडर को अच्छा निर्णायक होना चाहिए, मतलब उसको कोई भी खेल में कोई भी निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। अपने बेस पर में, मतलब कि उसको अपना निर्णय स्वयं ही लेना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ ए कंट्री, देश के बहुत ही लोकप्रिय खेले जाने वाले खेल इस कॉल्ड इट्स नेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल कहलाते हैं। हेयर आर सम नेशनल प्लेयर्स, यहाँ कुछ नेशनल प्लेयर, ये क्या है, नेशनल प्लेयर ऑफ सम कंट्रीज, विभिन्न देशों के, कुछ देशों के यहाँ पर राष्ट्रीय प्लेयर हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हु रिप्रेजेंट देयर कंट्री, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक एशियन गेम्स, ओलंपिक एक्सेट्रा। अभी मैंने क्या बताया बेटा कि यहाँ कुछ देशों के खिलाड़ी हैं जो एशियाई खेल और ओलंपिक आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों का खेलों में अपना आयोजन अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोबारा से सुनिए, ये थोड़ा सा पैरा टफ है। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड ए नेशनल स्पोर्ट्स, देश के बहुत ही लोकप्रिय खेले जाने वाले खेल राष्ट्रीय खेल कहलाते हैं। हेयर आर सम नेशनल प्लेयर्स ऑफ सम कंट्रीज, यहाँ कुछ देशों के कुछ राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हु रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक एशियन गेम्स एंड ओलंपिक एक्सेट्रा, जो एशियाई खेल और ओलंपिक खेल आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बेटा ये कौन है? हमारे नेशनल प्लेयर्स अभिनव बिंद्रा और हुसैन एस्टिलियो बॉयलेट और
क्रिस्टिनियो रोनाल्डो, ये सब, सुशील कुमार, ये क्या है, ये हमारे नेशनल प्लेयर हैं। इसी तरीके से कुछ देशों के नाम भी दिए गए, कुछ गेम्स जो स्पोर्ट्स हैं उनके भी नाम दिए गए कि हमारे कौन से राष्ट्रीय खेल हैं। ये क्या है, हॉकी, हॉकी हमारा इंडिया का राष्ट्रीय गेम है, खेल है, स्पोर्ट्स है ना। और जो बास्केटबॉल है वो यूएसए का है नेशनल गेम, और फुटबॉल ब्राज़ील का नेशनल गेम है, और ये क्या है, यूएसबी क्या, कहाँ का है ये, न्यूजीलैंड का। इसके बाद आर्चरी भूटान का, ये सब देश के नेशनल गेम है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा पेज नंबर 13 कंप्लीट हुआ और अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 14। हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तुम्हारा स्पोर्ट पर्सन कौन सा है वो आप अपने आप बताएंगे। इंडिया का कपिल देव है, सचिन तेंदुलकर है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। विच गेम डज ही प्ले, और वो जो प्लेयर है ऊपर, सचिन है, कपिल है, या और भी कोई टेबल टेनिस का है, कोई बैडमिंटन का है, कोई हॉकी का, जो भी प्लेयर तुम्हें अच्छा लगता है वो कौन सा खेल खेलता है। टू विच कंट्री डज ही बिलोंग, और वो कौन से देश से बिलोंग करता है। जरूरी नहीं है हमारा इंडियन ही आपको अच्छा लगे प्लेयर, हो सकता है फॉरनर कोई प्लेयर आपको अच्छा लगता हो, आप उसके भी नेम राइट कर सकते हैं, उसके गेम का नेम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल एंड बॉयज़ प्ले टुगेदर, लड़के और लड़कियां एक साथ खेलते हैं, लड़के और लड़कियों का एक साथ खेलना, समझ आ रहा है आपको। आगे चलें, गर्ल्स आर डिस्करेज्ड टू प्ले गेम्स इन ओल्डन डेज, प्राचीन काल में लड़कियां खेल खेलने में हतोत्साहित होती थी, बट नाउ टाइम्स हैव चेंज, लेकिन अब समय बदल चुका है। गर्ल्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्ले एज बॉयज, आज लड़कियां लड़कों के बराबर खेल खेलती हैं। द गर्ल्स हैव मेड ए मार्क इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और लड़कियां सभी खेलों में, द गर्ल्स हैव मेड ए मार्क इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, सभी खेलों में लड़कियां अपने आप को चयनित करती हैं, मीन्स भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट लेती हैं और आगे निकलती हैं। देयर आर सेपरेट टीम्स फॉर वुमेन एंड मैन फॉर ऑल स्पोर्ट्स प्लेड एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यहाँ कुछ खेल ऐसे भी हैं जिसमें आदमी और औरत दोनों एक राष्ट्रीय खेलों में खेलते हैं। However, in certain sports, both women and men may jointly play as a example mixed double tennis. However, in certain sports, ऐसे कौन से गेम हैं, किस तरीके से लोग महिला और पुरुष, ऐसे कौन से गेम हैं जिनमें महिला और पुरुष एक साथ खेलते हैं। बेटा कौन से गेम है वो, मिक्स्ड डबल टेनिस, ऐसे नेशनल गेम हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग नेचर ऑफ लेज़र, लेज़र का प्रकृति चेंज होना। चिल्ड्रन यूज टू प्ले मोर ऑफ आउटडोर गेम्स लाइक कंचे, गुल्ली डंडा, लट्टू, पिट्ठू एक्सेट्रा, बच्चे बाहरी खेल ज़्यादा खेलते थे, जैसे कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, पिट्ठू खेलना, है ना, और लट्टू आदि। इन अर्लियर टाइम, प्राचीन काल में बच्चे बाहरी खेल खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, जैसे कौन से, कंचे खेलना,
गुल्ली डंडा खेलना, लट्टू, पिट्ठू आदि। दे आल्सो टुक पार्ट इन अदर एक्टिविटीज़। इसके अलावा वो अदर एक्टिविटीज़ में भी अपना पार्ट लेते थे, अपना हिस्सा लेते थे, अपनी गतिविधियाँ करते थे। लाइक एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी कहते बेटा कढ़ाई को, जो कपड़े पे कढ़ाई करते हैं ना उसको कहते हैं कढ़ाई करना। एंड रंगोली, ज़मीन पर रंगों के द्वारा बनाए गए जो रंगोली होती है, और इस ये दोनों एम्ब्रॉयडरी वर्क और रंगोली दोनों लड़कियों के हैं, लेकिन लड़के उनमें भी अपना पार्टिसिपेट करते थे। दे यूज़ टू इन्जॉय सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ, और वे अपने साधारण और शांत प्रिय जीवन का आनंद लेते थे। एंड लेड ए हेल्दियर लाइफ, और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे। तो बच्चों आज हमारा पेज नंबर आई थिंक 13 और 14 कंप्लीट हुआ, और इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको कल रीड कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे तो आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। यदि मैं एक दिन में पूरा चैप्टर करा दूंगी तो आप ना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि चैप्टर लॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, आपने सभी बच्चों ने ये चैप्टर रीड करना है होमवर्क में, और इसमें से एक्सरसाइज भी करने की पूरी कोशिश करनी है। वैसे मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अगर आप करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपको चैप्टर समझ आएगा, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो आपने ये चैप्टर शुरू से रीड करना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। डिफ़िकल्ट वर्ड की स्पेलिंग्स लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।